أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم This is Aga Shahriar Khan I welcome to all of you once again on the platform of CSS Brainwave and particularly in the session of the orientation session for the preparation of MPT test which is a screening test that is going to be held before written examination although MPT test koi itni badi cheez nahi hai ya koi itni mushkil cheez nahi hai लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हुई थी बट काफी दफा स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और कुछ मेजर गलतियां करते हैं उसके लिए ये सेशन जो है वो हमने कंडक्ट किया था और दो तीन चीजें बताने के लिए आपको एक तो क्या मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी फिर किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए और क्या रोड मैप है और आखिर में वो बच्चे जो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं उनकी हम किस तरह प्रिपरेशन कराएंगे जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आई बिलोंग टू द 48 सीटीपी एंड करंटली एम्प्लॉयड इन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस एंड वर्किंग एज असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल इन एजी से आज के सेशन में हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे आज के सेशन में जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि वो क्या गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं व्हाट आर द कॉमन ब्लंडर्स एंड द मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स यूजुअली डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एमपीटी टेस्ट हाउ टू प्रिपेयर द एमपीटी टेस्ट कितने पोर्शंस हैं रूल्स रेगुलेशंस क्या है एमपीटेट टेस्ट के कितनी अटेम्प्ट्स हैं कितने नंबर्स हैं कितना सिलेबस है कहां से प्रिपेयर करना चाहिए रोड मैप क्या है एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर सेशन दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे और टुमारो सो हमारा आपके लिए क्या रोड मैप है ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह आज के सेशन में इतना बड़ा सेशन नहीं होगा मैक्सिमम 30 मिनट्स का सेशन है ये इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एमपीटी प्रिपरेशन फील फ्री टू आस्क ऑन द चैट बट एमपीटी के अलावा जो है वो कोई सवाल नहीं करिएगा क्योंकि ये एमपीटी का हमारे पास जो है वो सेशन है सो स्टार्ट लेता हूं मैं कि क्या कॉमन गलती क्या है स्टूडेंट्स की पर्टिकुलरली इन द मंथ्स ऑफ जुलाई अगस्त सितंबर बिकॉज एमपीटी टेस्ट का जो है जो एफपीएससी ने डेट दी है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पहले मैं ये बता दूं कि आप लोगों की गलती ये है कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस टाइम स्पेन फ्रॉम जुलाई जब से अनाउंस हुआ है टिल अक्टूबर 2nd सिर्फ एमपीटी की प्रिपरेशन करें ठीक है ये एक स्ट्रीम है एक्सट्रीम है स्टूडेंट्स और ये बहुत एक ब्लंडर है ये मैं आपको बता दू क्योंकि इफ यू फोकस ओनली ऑन स्क्रीनिंग टेस्ट तो अगस्त सितंबर जुलाई के कुछ दिन फिर अक्टूबर में आपका एमपीटी टेस्ट है ये सब महीने आप वेस्ट कर रहे हैं सिर्फ एमपीटी की प्रिपरेशन आपने नहीं करनी इफ यू आर अ सीरियस कैंडिडेट इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट एंड इफ यू वांट टू क्वालिफाई सीएसएस काइंडली फोकस ऑन योर रिटन प्रिपरेशन ठीक है हालांकि अब ये एक अजीब सी चीज है कि मैं एमपीटी का ओरिएंटेशन सेशन ले रहा हूं और इसमें मैं ये कह रहा हूं कि एमपीटी के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं करना फोकस ज्यादा आपने रिटर्न अपनी प्रिपरेशन के ऊपर करना है कहने का मकसद यह है कि आपने रिटर्न की जो प्रिपरेशन है उसको रोकना नहीं है जस्ट फॉर द सेक ऑफ एमपीटी फिर एमपीटी किस तरह करनी है वो मैं आपको बताऊंगा दिन में आप अगर यकीन जाने वी आर सिटिंग ऑन ऑगस्ट 21 अक्टूबर 2 को टेस्ट है हमारा तो अगर हम दिन में एक घंटा भी एमपीटी को देना सिर्फ एक घंटा 60 मिनट्स ठीक है इट इज मोर देन इनफ आप बड़े आसानी के साथ एमपीटी टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप आज से सिर्फ एक घंटा 60 मिनट्स डेढ़ घंटा 90 मिनट्स एमपीटी को दे रहे हैं मोर देन इनफ ठीक है जी पहली चीज अच्छा दूसरी एक्सट्रीम क्या है जो बिल्कुल एमपीटी को लाइटली ले लेंगे जी पिछले साल बड़ा एक आसान टेस्ट आया था इस साल भी बड़ा आसान टेस्ट आएगा तो जी एंड में जैसे कल टेस्ट होगा तो फिर आज एमसीक्यूज देखेंगे और चले जाएंगे जी हमारे पास जीके बहुत अच्छी है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे ये भी ब्लेंडर है याद रखिएगा हर साल एफपीएससी एमपीटी की प्रिपरेशन के लेवल को आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट करेगी तो डोंट टेक इट इजी क्योंकि अगर ये फेल हो गया तो फिर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन भी रुक जाएगा लेकिन सिर्फ ये सोचना कि पहले एमपीटी का रिजल्ट आ जाए और फिर रिटर्न की प्रिपरेशन करेंगे ये गलत है रिटर्न की प्रिपरेशन जारी रखें और डेली बेसिस के ऊपर आप जो है वो एक घंटा 60 मिनट्स 90 मिनट्स जो है वो अपने एमपीटी प्रिपरेशन को दें और आराम से ये टेस्ट आपका जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा लेकिन इसके लिए रिटर्न की प्रिपरेशन को स्टॉप ना करें पहली चीज
दूसरी चीज ये है कि मैं बात कर रहा था गलतियों की, ब्लंडर्स की, एक सेकंड। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि आपने सिर्फ एमपीटी की जो प्रिपरेशन है वो सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए नहीं कर, ये मैं पहले भी, मैंने लास्ट ईयर के सेशन में भी ये बात बोली थी, आज भी इस बात बोली थी, अक्सर मैंने बच्चों को कहते हुए सुना है कि यार एमपीटी की प्रिपरेशन में से 33% वाला तो पास है, वो तो आराम से ले आएंगे, कोई मसला नहीं है, अगर ज्यादा नंबर भी ले आए तो कोई हमें फायदा नहीं मिलेगा, कम नंबर भी आए तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ लाइन को क्रॉस करना है, पास करना है, ये गलत है। आपने सिर्फ एमपीटी की प्रिपरेशन स्क्रीनिंग के लिए नहीं करनी, आपने एमपीटी की प्रिपरेशन स्क्रीनिंग के साथ साथ वो जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं रिटन एग्जाम में, उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। यानी अगर आप इस्लामियात की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस्लामियात के वो 20 मार्क्स जो आने वाले ऑब्जेक्टिव पेपर में रिटन एग्जाम में, वो ध्यान में रखें। करंट अफेयर्स के 20 नंबर वो ध्यान में रखें, पाकिस्तान अफेयर्स के 20 नंबर वो ध्यान में रखें, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के 20 नंबर वो ध्यान में रखें, और इंग्लिश के वोकैब के 20 नंबर वो ध्यान में रखें। तो कितने हो गए, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, इस्लामिया, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स, 5, यानी 100 मार्क्स। एक ना सिर्फ आपकी स्क्रीनिंग क्लियर हो रही है अगर आप अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और अगर आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन है तो वो जो 20-20 मार्क्स है ना, आपके 100 मार्क्स बेसिकली, आप 100 मार्क्स की भी अच्छी प्रिपेयर कर रहे हो, और सीएसएस में 100 मार्क्स एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है। तो ना सिर्फ एमपीटी को फोकस करें बल्कि उन 100 मार्क्स को भी फोकस करें कि अब हमने एमपीटी की तैयारी इतना करनी है कि उन 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन में भी हमारे जो है वो कम से कम 15+ स्कोर करना है, चाहे वो इस्लामियत के ऑब्जेक्टिव हो, जनरल साइंस के हो, करंट अफेयर्स के हो, पाकिस्तान अफेयर्स के हो, या फिर अंग्रेजी के हो। तो इट इज नॉट ओनली अबाउट स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिपरेशन, इट इज ऑल्सो अबाउट द रिटन टेस्ट प्रिपरेशन, पर्टिकुलरली द ऑब्जेक्टिव पोर्शन। तो ये अपने ध्यान में रखिएगा। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, रिटन की प्रिपरेशन नहीं रोकनी, साथ साथ एमपीटी भी करें, 1 से 1.5 घंटा डेली की बेसिस के ऊपर मोर देन इनफ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कुछ एमपीटी के रूल्स में आपको बता देता हूं, आपके सामने में यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है एफपीएससी की वेबसाइट का, ये कोई अपने पास से ये डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, मैं चाहता तो इसे प्रेजेंटेशन ही बना सकता था, बट मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके सामने खोला हुआ है। सीएसएस के प्रिपरेशन के 3 से 4 फेज होते थे, पहले रिटर्न होता था, साइकोलॉजिकल होता था, इंटरव्यू होता था, और फाइनल रिजल्ट होता था। एक फेज और बढ़ा दिया गया जिसको हम एमपीटी टेस्ट या स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं। अब स्क्रीनिंग होगा, रिटर्न होगा, साइकोलॉजिकल होगा, और फिर फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर एंड होगा। अच्छा, एमपीटी टेस्ट यहाँ पर कितने नंबर का है, एमपीटी टेस्ट 200 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको 200 मिनट्स दिए जाएंगे, 33% वाला जो है वो बच्चा पास है। क्या हम एमपीटी के अटेम्प्ट में अगर फेल हो जाते हैं या हम एमपीटी में बैठते हैं तो क्या हमारी अटेम्प्ट्स काउंट होंगी, हमारी अटेम्प्ट्स काउंट नहीं होंगी, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू रूल 6 देयर शैल बी नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू अपीयर इन द प्रिलिमिनरी टेस्ट। कैंडिडेट्स एडमिशन टू द प्रीमस अप्लाई ऑनलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है जी। अच्छा, एज लिमिट वही है 30 इयर्स, ठीक है, एज लिमिट है हमारे पास, अंटिल अनलेस अगर आप कोई जो है वो उसके अंदर इजाफा जो है वो सिलेक्ट नहीं करते, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो आपकी जो एज लिमिट है वो 30 इयर्स है, जो December 30 को उसकी कट ऑफ डेट मौजूद है। अच्छा, अब आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर। भाई सिलेबस क्या है, ये आपके सामने एफपीएससी का अनाउंस्ड सिलेबस है, इस्लामियात है इसके अंदर, इंग्लिश है इसके अंदर, जनरल साइंस एंड एबिलिटी है इसके अंदर, इसके अंदर जनरल नॉलेज है, जिसके अंदर करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स आ जाता है हमारे पास, ठीक है जी। अगर हम इस सिलेबस को जरा गौर से एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि 60 मार्क्स जो है वो एबिलिटी पोर्शन के, यानी मैथ्स के, जिसको हम बेसिक मैथ्स कहते हैं, जिसमें रेशियोज के सवाल है, परसेंटेज के सवाल है, प्रोपोर्शन के सवाल है, फिर लॉजिकल रीजनिंग के सवाल है, एज प्रॉब्लम्स है, ठीक है, रिलेशंस प्रॉब्लम है, सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रॉब्लम्स है, कोडिंग एंड डिकोडिंग के प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसके 60 मार्क्स है।
फिर हम इंग्लिश को देखें तो उसके कितने हैं 50 मार्क्स, ठीक है, ये कितने हो गए 60 और 50, ये हो गए 110, 20 इस्लामियत के 20 उर्दू के और 50 हमारे पास करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के। अच्छा, इस सिलेबस को थोड़ा सा यहीं पे रोकते हैं और जरा इसको एनालाइज करते हैं, मसला क्या है। हमारे स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली क्या इशू है, हमारे स्टूडेंट इधर से उधर भागते रहेंगे। आजकल मैं देख रहा हूँ सीएसएस 2023 के बच्चे बड़े परेशान हुए, सर उर्दू शामिल है एमपीटी टेस्ट में, सर उर्दू आप करवाएंगे, सर उर्दू के कहां से करने हैं एमसीक्यूज, सर उर्दू के एमसीक्यूज किस तरह करेंगे। अगेन दे आर इन अ पैनिक मोड एज फार एज द प्रिपरेशन ऑफ उर्दू इज कंसर्न, ठीक है, कि पैनिक में कहीं उर्दू की प्रिपरेशन कर लें। तो भाई मैं उनको ये बोलता हूँ कि काम डाउन हो, सिलेबस देखो, सिलेबस में उर्दू के कितने मार्क्स है, 20 मार्क्स है, कितने मार्क्स है उर्दू के 20 मार्क्स है, ठीक है, यानी सिर्फ 10% उर्दू है, बाकी 90% तो दूसरी चीज है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी लॉट होगी वो करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स के पीछे पड़े हुए होंगे, करेंसी, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि माइंडसेट, हमारे बच्चों का माइंडसेट क्या है। वो अक्सर आप देखते ना कि ये इतनी आसानी से सीएसपी कैसे बन गया, ये इतनी आसानी से सीएसपी कैसे, हम तो नहीं बन पाए, ठीक है ना, वो उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरे बच्चे वो ये करेंसी याद करने में लगे हुए होंगे, फ्लैग्स के नाम, सिटीज के नाम, आपका अल्लाह भला करे कैपिटल्स के नाम, ब्रिजेस के, स्ट्रेट्स के, सीज के, ओशंस के, और पूरी बड़ी बड़ी बुक्स ये मेरे सामने रखी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं भी पीछे वो ये एडवांस की बुक रखी हुई है, दूसरी बुक्स यहाँ पे रखी हुई है जो एमसीक्यू प्रिपरेशन की है, उसको ए टू जेड रट्टा मारने में लगी हुई। अगेन उनको मैं बोलता हूँ भाई सबर करो, आप सिलेबस देखो, सिर्फ अगर हम सिलेबस में देखें ना तो सिलेबस में 110 मार्क्स मिलाकर हमारे सिर्फ अंग्रेजी और जनरल एबिलिटी के बन जाते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो 55% जो आपका पेपर है वो सिर्फ इंग्लिश और जर्नल एबिलिटी, या जिसको हम बेसिक मैथ्स कहते हैं, बेसिक अर्थमेटिक्स कहते हैं, उसके ऊपर बेस कर रहा है, ठीक है। यानी अगर आप अंग्रेजी को अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, जो कि आपने करना है, चाहे आप स्क्रीनिंग में करें ना करें, आपने अपनी अंग्रेजी को अच्छा करना है इफ यू वॉन्ट टू क्वालिफाई सीएसएस, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, देयर इज नो अदर ओपिनियन एंड देयर इज नो एनी अदर फैक्ट दैट यू कैन क्वालिफाई सीएसएस विदाउट हैविंग गुड रिटन इंग्लिश, ऐसा बिल्कुल कम है। अगर आप कोई आउटलायर केस है तो पॉसिबल है, वरना विदाउट रिटन इंग्लिश के, अच्छी इंग्लिश के, एरर फ्री इंग्लिश के, आप सीएसएस पास नहीं कर सकते। तो अंग्रेजी अच्छी करनी है, चाहे वो कैब है, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन है, चाहे वो ग्रामर्स के रूल्स है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, प्रीपोजिशन है, पंक्चुएशन है, नरेशन है, वॉइसेस, ये तो करने ही करने। तो जब ये करने ही करने हैं तो यहां पर अच्छा प्रिपेयर कर लो, ताकि ये जो 50 मार्क्स है ये आ जाए। फिर जो बेसिक अर्थमेटिक है वो भी आपने करनी करनी, क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो रिटन एग्जाम है उसमें जो 50% है वो है ही एबिलिटी, 50% जनरल साइंस और 50% जनरल एबिलिटी, तो वो भी आपने करना ही करना है इफ यू वांट टू क्वालिफाई दैट एग्जाम। तो क्यों ना हम यहीं पर प्रिपेयर कर लें। तो अगर हम सिर्फ बेसिक मैथ्स और अंग्रेजी को देखते हैं तो 55% ऑफ पेपर है, 110 नंबर, इसमें से अगर हमारे आधे भी आ जाते हैं ना, हमें कोई ये पेपर पास करने से एमपीटी नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो ये जो एमपीटी का इतना बड़ा पहाड़ बनाया हुआ है ना, ऑल्दो आई एम रनिंग द एकेडमी एंड आई एम गिविंग यू द लेक्चर ओरिएंटेशन सेशन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड द एंड आई विल आल्सो अनाउंस द रोड मैप, और मैं आपको बोलूंगा कि आप आए और सेशन ज्वाइन करें, और ज्वाइन करना भी चाहिए। बट मैं उन टीचर्स में से, उन एकेडमीज में से नहीं हूं जो बोलूं कि भाई कोई बहुत बड़ी चीज है एमपीटी। मैं एमपीटी को बड़ी चीज उस सेंस में मानता हूं, उस प्रिज्म से मानता हूं कि अगर आप इसकी बेसिस के ऊपर रिटर्न में जो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं उसकी भी प्रिपरेशन करवा रहे हैं या कर रहे हैं, अदरवाइज बहुत आसान है। हाँ, ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए, उर्दू के पीछे भाग रहे हैं, करंट अफेयर्स के पीछे भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जो बेसिक चीज है, जो बेसिक 110 नंबर्स है उसको भुला के बैठे हुए, इंग्लिश की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, वोकैब नहीं पढ़ रहे, ग्रामर सही नहीं कर रहे, प्रीपोजिशन सही नहीं कर रहे, पंक्चुएशन सही नहीं कर रहे, इसी तरह बेसिक परसेंटेज रेशियोज प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन नहीं आते, फिर तो एमपीटी भी मुश्किल में पड़ जाएगा पास। कहने का मतलब यह है कि आप, अच्छा, फिर इसमें अच्छी चीज क्या है कि जब आप
बेसिक मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे ना डेली की बेसिस के ऊपर, तो आपको ये भी फील नहीं हो रहा होगा कि मैं अपना टाइम जाया कर रहा हूं, क्योंकि बेसिक मैथ इज अ पार्ट ऑफ द रिटन एग्जाम एज वेल। आप ये बोल सकते हैं कि भाई मैं एमपीटी की भी प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं, और साथ साथ मैं अपने रिटन में जो जीएसए का सिलेबस है उसकी भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। जब आप अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर रहे होंगे अगेन आप अपना टाइम जाया नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप इंग्लिश में एमपीटी की भी प्रिपरेशन कर रहे हो और कंपोजिशन की, ऐसे की, और अपनी अंग्रेजी को भी बेहतर बना रहे हैं क्योंकि आपने 11 पेपर जो है वो अंग्रेजी में दे रहे हैं। इन अ नेचुरल आई एम गोइंग टू से दैट फोकस ऑन दीज टू पार्ट्स, ज्यादा फोकस इस दो पार्ट्स को दें, इंग्लिश को, वोकैब को, ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन को, और फिर एबिलिटी को। इसमें क्या क्या चीजें करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर जो आप करें इस्लामियात को करें, इस्लामियात में एमसीक्यूज है कहां से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आप जनरल नॉलेज एबिलिटी वगैरह कर लें, और एंड में आप उर्दू भी कुछ हद तक कर लें। लेकिन सिर्फ इसके ऊपर पैनिक करना कि उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं आती, उर्दू नहीं आती, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पैनिक मोड में जाने का अपना टाइम जाया ना करें, जो मेन चीजें उसको प्रिपेयर करें। नेक्स्ट, कुछ लोग बच्चे यहाँ पे परेशान होंगे कि सर सिविक्स और इथिक्स लिखी हुई है, इट इज फॉर नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स। सिविक्स और एथिक्स ये नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए है जो इस्लामियात ऑप्ट नहीं करते, ये मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए मौजूद नहीं है। यहां तक अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, यहां तक सब चीजें क्लियर है? आगे बढ़ू मैं, चैट पर यस या नो करके बताएं ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। ठीक है जी, अभी तक हमने सिर्फ ये बताया है कि एमपीटी के साथ साथ सिर्फ एमपीटी पे फोकस नहीं करना है, रिटर्न की प्रिपरेशन करते रहना है, और एमपीटी को दिन में 60-90 मिनट्स देने हैं, फाइनल जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उसके ऊपर फोकस करके चलना है, और जो एमपीटी में है उसमें जो खासतौर पर जनरल एबिलिटी और अंग्रेजी वाला पार्ट है उसको बेहतर बनाना है। ठीक है, क्योंकि उसमें रूल्स है, अगर आपको रूल्स आ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स वगैरह में ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट सवाल पैदा होता है कि सर हमने करना कैसे, ठीक है ना, हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं, इंग्लिश को, एबिलिटी को, जनरल नॉलेज को, इस्लामियत। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना रोड मैप, ये मेरा जो बच्चे सेशन ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा रोड मैप है, एमपीटी का सेशन ज्वाइन करें, और जो बच्चे करंट और पाकिस्तान अफेयर्स का सेशन ज्वाइन करेंगे उनके लिए एमपीटी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। यानी हमारा करंट और पाकिस्तान अफेयर्स का जो सेशन है वो अगस्त 29 से स्टार्ट है, बैच टू करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स का। तो जो करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स के बच्चे होंगे बैच टू के, उनके लिए एमपीटी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो एमपीटी के बच्चे होंगे उनके लिए ये रोड मैप मैंने यहाँ पर बनाया हुआ। ठीक है, सबसे पहले अगर आप इंग्लिश को कर रहे हैं ना तो आपने वोकैब अच्छी करनी है। ठीक है, वोकैब आपने क्यों अच्छी करनी है, क्योंकि जो फाइनल पेपर आएगा रिटन का इंग्लिश कंपोजिशन का उसमें भी 20 नंबर की वोकैब है, 10 नंबर के सिनोनिम्स और 10 नंबर के एंटोनिम्स। अब करने कहां से, सिंपल तरीका यह है कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आप जीआरई की वर्ड लिस्ट उठा लेंगे, मेरे पास बुक है जीआरई की, इसमें जो है वो पेज नंबर अगर आप देखें तो 117 या 116 से लेकर वन पेज नंबर 117 से लेकर इसमें वर्ड लिस्ट है, वो आप डेली के बेसिस के ऊपर एक अल्फाबेट भी करते हैं तो 25-26 डेज में आपकी पूरी ये वर्ड लिस्ट हो जाएगी। जिनके पास बुक नहीं ले सकते वो गूगल से डाउनलोड कर लें जीआरई की वर्ड लिस्ट और उसको प्रिपेयर करना शुरू करें, पहली चीज। दूसरी चीज, पास्ट पेपर्स अटेम्प्ट करें, जो सीएसएस के इंग्लिश कंपोजिशन के पास्ट पेपर्स आ चुके हैं वो अटेम्प्ट करें। तीसरी चीज, जो एफपीएससी के वन पेपर एमसीक्यूज में जो अंग्रेजी के एमसीक्यूज आते हैं उसको अटेम्प्ट करें, चाहे वो कस्टम्स का है, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का है, असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई है, असिस्टेंट डायरेक्टर आईबी है, असिस्टेंट डायरेक्टर ईएसएफ है, उसमें जो गैप के एमसीक्यूज है उसको अटेम्प्ट करना है आपने। ठीक है ना, अब वो काफी लोगों के पास पास्ट पेपर्स नहीं होंगे, मैंने आपको दिखा दी थी जीआरई की है बुक, कोई भी जीआरई की आप बुक लेने में बैरॉन की है। अच्छा, आप लोगों के पास पास्ट पेपर्स नहीं होंगे, जो हमारे पास बैच में बच्चे ज्वाइन करेंगे, चाहे वो करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का बैच टू ज्वाइन करेंगे, एमपीटी कराएं, तो पास्ट पेपर्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा, तो डेली के बेसिस के ऊपर उसको अटेम्प्ट भी करें और अपनी वोकैब भी अच्छी करें। फिर बात आ जाती है ग्रामर के पोर्शन की। ग्रामर के पोर्शन में सिंपल यह है कि मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, यहाँ पे मैंने ग्रामर की चीजें लिखी हुई है। दो तीन चीजें काफी आती है, प्रिपोजिशन काफी आती है, पंक्चुएशन आता है, निरेशन आता है,
करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस काफी आते हैं और कंडीशनल सेंटेंस भी आते हैं। ये पांच छह चीजें आपने प्रिपेयर करनी है, इसके रूल सीखे, मैं आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दूंगा और वो आपको एक दफा रूल सीख लिए फिर वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चंस कहां से अटेम्प्ट करने, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पास्ट पेपर से। पास्ट पेपर्स कौन से, मैं आपको बता चुका हूं, एक साल का एमपीटी का पास्ट पेपर, उसके अलावा जो भी एफपीएससी के वन पेपर के एमसीक्यूज के पेपर है वो आप अटेम्प्ट करें इंग्लिश में। फिर एक चीज कॉम्प्रीहेंशन, अगेन अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है आप कॉम्प्रीहेंड अच्छा कर पाएंगे पैराग्राफ के, तो उस पैराग्राफ में से सवाल का आंसर लगाने में कोई बड़ा इश्यू नहीं। तो इंग्लिश आपने कैसे प्रिपेयर करनी है, डेली के बेसिस पे वोकैब करें, कंपोजिशन के रिटन पेपर में भी काम आएगी। ग्रामर के लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, पूरे लेक्चर्स हैं, उसमें टेंसेस हैं, प्रीपोजिशन है, पंक्चुएशन है, कंडीशनल सेंटेंसेस है और सारी चीजें वो आपके साथ इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दी जाएंगी। द पार्ट ऑफ एमपीटी प्रिपरेशन और द पार्ट ऑफ करंट एंड पाकिस्तान अफेयर्स बैच टू। तो ये आपकी हो गई अंग्रेजी की तैयारी और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा चीजों को आप जो है वो बेहतर करते जाएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ वोकैबुलरी के सिनोनिम्स हैं, टेंसेस, टाइप्स ऑफ वर्ब, एनालॉजी, वॉइसेस, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, सेंटेंस करेक्शन, कंडीशनल सेंटेंसेस एंड कॉम्प्रिहेंशन एज वेल। फिर बात कर लेते हैं बेसिक मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी की। जी बेसिक मैथमेटिक्स एंड एबिलिटी रिक्वायर्स प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए अगेन आप पिछले साल का एमपीटी का पेपर देखें और जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो एमसीक्यूज है फ्रॉम 2016 टू 2022 वो आप अटेम्प्ट करें, खासतौर पर एबिलिटी वाले पोर्शन को। और एबिलिटी वाले पोर्शन में जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सेक्शन सी है उसको अटेम्प्ट करें ताकि फाइनल में आपकी रिटर्न की प्रैक्टिस भी हो जाए। और क्या क्या चीजें आपने प्रिपेयर करनी है, एलसीएम, जीसीएफ, एचसीएफ, मीन मीडियन मोड रेशियो, परसेंटेज प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस का, एंगल्स, ज्योमेट्री को कर लें, कोडिंग, डिकोडिंग, टाइम वर्क के प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, रिलेशनशिप और कंपैरिजन। इसके अगर आपके रूल्स पता है और आप डेली के बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और पास पेपर्स को अटेम्प्ट कर रहे हैं खासतौर पर जनरल साइंस एंड एबिलिटी के, तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। हम क्या करेंगे, मैं आपको सबके लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा, परसेंटेज, प्रोपोर्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, टाइम वर्क, एजेस के प्रॉब्लम को सीखें, रूल समझे और फिर पास पेपर्स को अटेम्प्ट करें। पास पेपर्स भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। नाउ इंग्लिश और जनरल साइंस एंड एबिलिटी हो गया, 55% पेपर आपका हो गया। अब आ जाते हैं करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, जिसकी इतनी ज्यादा हाइप है और इसकी वजह से सारी बुक्स वगैरह सेल होती है। करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स में हमेशा बच्चों को बताता हूँ कि इसको आप दो पार्ट में डिवाइड करें, करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर को। एक को मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल पार्ट और एक को मैं कहता हूँ कंटेम्प्रेरी पार्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक को मैं कहता हूँ ट्रेडिशनल और एक को मैं कहता हूँ कंटेम्प्रेरी पार्ट। कंटेम्प्रेरी पार्ट में क्या है, कंटेम्प्रेरी पार्ट में यह है कि राइट फ्रॉम जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 तक, या फिर अक्टूबर 2021 से लेकर अक्टूबर सितंबर 2022 तक, पूरे एक साल में आपके पास रेलिवेंट एमसीक्यूज होने चाहिए। यानी अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक हर महीने कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, कौन सी चीजें हुई हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स हैं, वो आपके पास, यानी हर महीने के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके पास होने चाहिए। वो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते, फॉर एग्जांपल अभी एशियन गेम्स हुए हैं, पाकिस्तान ने कितने मेडल्स जीते, जो है वो रेसलिंग में क्या हुआ, कौन से मुल्क ने सबसे ज्यादा मेडल्स जीते, ये जाहिर बात है ये अगस्त के महीने के एमसीक्यूज हो जाएंगे। इसी तरह जुलाई के, जून के, मार्च के, अप्रैल के, मई के, फेब के, जैन के, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, एक साल के मोर देन इनफ होते हैं और यकीन जाने वो ज्यादा नहीं होते। जो हमारा सेशन ज्वाइन करेंगे उनको अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक के में एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मंथ वाइज वो प्रोवाइड किए जाएंगे, कंटेम्प्रेरी पार्ट। अब आ जाते हैं ट्रेडिशनल पार्ट। ट्रेडिशनल पार्ट क्या है, ट्रेडिशनल पार्ट वही चीज है जो मैं आपको बता रहा था, जिसमें आपके पास स्ट्रेट्स आ जाते हैं, ओशंस के ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं, जो है वो मॉन्यूमेंट्स के ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस के ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, डेमोग्राफी के ऊपर एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो वो ट्रेडिशनल पार्ट है, उसको भी पाकिस्तान में और इंटरनेशनल में हम डिवाइड कर सकते हैं और इसके लिए मैंने यहाँ पर वो लिस्ट बनाई भी, उसके अंदर क्या क्या करना है आपने, वर्ल्ड ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑन स्पोर्ट्स, नोबेल लॉरेट कौन से, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स,
करेंसीज, कंट्रीज फ्लैग्स एंड मीनिंग्स, ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर एमसीक्यूज, इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स के ऊपर, पीएम एंड प्रेसिडेंशियल डेज, इंटरनेशनल डेज के ऊपर, एयरलाइंस, न्यूज एजेंसीज एंड इंटरनेशनल एजेंसीज, सिटीज विद निकनेम्स, एब्रिविएशंस एंड टेक्नोलॉजीज, और आर्कियोलॉजिकल साइट्स। पाकिस्तान अफेयर्स में अगेन एक तो हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, देन पाकिस्तान की ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वाटरवेज, इंफॉर्मेशन अबाउट सीपैक, नेशनल एंथम के ऊपर एमसीक्यूज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल के कराची लाहौर से लेकर इस्लामाबाद के मोटरवे को क्या कहा जाता है, कराची हैदराबाद के मोटरवे का क्या नाम है, इस तरह के एमसीक्यूज, नेशनल अवार्ड्स के ऊपर एमसीक्यूज, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, आर्कियोलॉजिकल एंड रिलीजियस साइट, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड स्पेशल सेक्शन ऑन स्पोर्ट्स। तो अगर ये चीजें आप कवर कर रहे हैं तो आपकी काफी चीजें आपकी करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप इस तरह पे। अब सवाल ये पता होता है सर ये तमाम के लिए हम कौन कौन सी बुक लें, कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको तमाम के ऊपर रेलिवेंट डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। यू जस्ट नीड टू रीड, सिर्फ दो दफा आपने उसको रीड करना है, इट इज मोर देन इनफ, आपकी बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो करंट अफेयर पाकिस्तान अफेयर्स में कंटेम्प्रेरी पोर्शन को अक्टूबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और ट्रेडिशनल वाले पार्ट में ये दोनों चीजें हमने कवर करनी है। और फिर इसके साथ साथ जो पास्ट पेपर्स में एमसीक्यू आए हैं करंट अफेयर्स के वो भी हम प्रिपेयर करेंगे। पास्ट पेपर्स में लोग बोलेंगे सर वो तो पुराना करंट अफेयर्स होगा, भी पुराना नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल उसने वहां पर पूछा हुआ है कि यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो उस टाइम का जाहिर बात है आंसर पुराना होगा, लेकिन हमें ये बात समझ में आ जाएगी ठीक है यार यूएन के सेक्रेटरी जनरल के ऊपर भी सवाल आ सकता है, तो उसको हम मौजूदा दौर के लिहाज से प्रिपेयर कर लें, ठीक है ना। तो पास्ट पेपर भी करंट अफेयर्स के जरूर करें, खासतौर पर सीएसएस के पास्ट पेपर है। फिर अगेन जो इस साल के एफपीएससी के टेस्ट है डिफरेंट, वो भी आप करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि जो है वो किस तरह के सवाल पूछे जाए, एफआईओ आईबी के टेस्ट हो या डिफरेंट उसके पास पेपर दे दूंगा। आखिर में जी एवरीडे साइंस में तो अगर आप एवरीडे साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको मजीद कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आ जाती है जी हमारे पास बारी इस्लामियात की। इस्लामियात में उसमें सबसे पहले आपको बोलूंगा कि इस्लामियात के आप सीएसएस के एमसीक्यूज करें फ्रॉम 2016 से 2022, पहले वो एमसीक्यूज करें, फिर इस्लामियात को आप डिवाइड कर लें, सीरा नबी में डिवाइड कर लें, होली कुरान के ऊपर एमसीक्यूज को डिवाइड कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस के ऊपर जो आते हैं वो जो है वो उसको डिवाइड कर लें, और बेसिक बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर डिवाइड कर लें। तो ये पांच के ऊपर अगर आप डिवाइड कर रहे हैं उसके एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस्लामियत का स्कोप बहुत वाइड है, कुछ भी एमसीक्यूज उसमें आ सकता है। तो मेरा हमेशा से तरीका ये होता है कि मैं पहले सीएसएस के पास पेपर्स करता हूँ, फिर एफपीएससी के जो वन पेपर एमसीक्यूज के पास पेपर्स हैं वो करता हूँ जितने हो सके, और फिर इस तरफ की प्रिपरेशन में आता हूँ, और काफी दफा जो है वहीं पर काफी चीजें आ जाती हैं और वहीं से जो है रिपीटेशन के ऊपर सवाल काफी हो जाते हैं। नेक्स्ट जी उर्दू नया पोर्शन है, उर्दू में उसने लिखा हुआ है, अगेन उर्दू के भी ग्रामर के रूल्स है जो अगर आप करेंगे तो बड़ा अच्छा जी आपके साथ हो जाएगा। उसमें उर्दू के यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जमा आ सकते हैं, मुजक्कर मोनस आ सकते हैं, अल्फाज मुतरादिफ आ सकते हैं, मुतजाद आ सकते हैं, वर्ड अपोजिट, सिंगुलर प्लूरल, मैस्कुलिन फेमिनिन, इस तरह के सवाल आपसे कर सकता है, इकसाम कलमा, अजाए कलमा, फेल, जमाना, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, जैसे जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं उसमें उर्दू में किया हुआ है, ये तरह की चीजें पूछी जाती है। उर्दू अगेन 20 मार्क्स का इतना बड़ा कोई मेजर पोर्शन नहीं है जिसके ऊपर हम इतना फोकस देके उसको काम करें, मेजर पोर्शन इंग्लिश, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स था जिसको हमने किया। बाकी इस्लामियत में मैंने बोला अगेन उसके भी 20 मार्क्स है तो इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप पास पेपर्स ही कर लेते हैं तो काफी आपके एमसीक्यूज सॉल्व हो जाएंगे। इन अ नटशेल आखिर में आप लोगों के लिए क्या सजेशन है, आप लोगों के लिए एक ही सजेशन है कि अपने रिटर्न की प्रिपरेशन को जारी रखें, उसको स्टॉप ना करें, डेली बेसिस के ऊपर 60-90 मिनट्स अपने एमपीटी के टेस्ट को दें। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज कीप क्या कहना चाहिए, इवेल्युएटिंग योरसेल्फ एंड हाउ यू इवेल्युएट योरसेल्फ थ्रू मॉक एग्जाम, एमपीटी के मॉक एग्जाम जरूर दें, वीकली बेसिस के ऊपर मॉक एग्जाम दें, जो हमारी प्रिपरेशन है एमपीटी टेस्ट की, जो कि करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स के बैच टू के लिए बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी रजिस्टर्ड होंगे, तो उसमें वीकली मॉक लिया जाएगा आपसे 200 मार्क्स का ऑन द पैटर्न ऑफ एफपीएससी। तो वो तो आपका मॉक है, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, आपसे प्रिपरेशन कहीं और से कर रहे हैं तो जरूर मॉक में अपेयर हो। उसके अलावा दो बातें मैं ये कर चुका हूं, तीसरी बात यह है कि
अपना फोकस रिटर्न के एमसीक्यूज के ऊपर रखें। एमपीटी के टेस्ट की प्रिपरेशन से आपके 100 मार्क्स के जो रिटर्न के एमसीक्यूज हैं वहां पर आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, और 100 मार्क्स में अपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो यकीन जाने यू कैन फॉल यू विल फॉल इन द ग्रुप ऑफ योर चॉइस। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज इट, हमारी एमपीटी की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और हम इसको फिर डेली बेसिस के ऊपर लेके चलेंगे। मटेरियल आपके साथ प्रोवाइड किया जाएगा, लेक्चर्स क्या लाइव होंगे, लेक्चर्स लाइव नहीं होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स आर बिजी इन देयर प्रिपरेशन और हर स्टूडेंट्स का एक अपना स्केड्यूल होता है, तो तमाम लेक्चर्स आपको वीडियो रिकॉर्डिंग्स की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जो कि एमपीटी की टेस्ट की प्रिपरेशन तक आपके पास रहेंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सुने, रूल्स सीखें, पास्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करें, और सैटरडे या संडे वाले दिन आपका एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा वीकली बेसिस के ऊपर। जब तक टेस्ट हो नहीं जाता उस मॉक को दें, अपने आप को एवेल्युएट करें 60-90 मिनट्स डेली की बेसिस पे। ना सिर्फ आपका एमपीटी टेस्ट तैयार हो जाएगा बल्कि फाइनल लेक्चर, फाइनल जो है वो पेपर भी तैयार हो जाएगा। आतिका आमिर कह रही है सर लाइव लेक्चर नहीं होंगे क्या? नहीं जी, लाइव लेक्चर नहीं होंगे। मैंने तो आपको बताया ना, इतना टाइम हम जाया नहीं कर सकते कि मैं आपका लाइव लेक्चर भी लूं, आप लाइव लेक्चर में भी बैठे हैं फिर घर जाके उसको दोबारा सुने, हमारे पास टाइम नहीं है। वी वांट टू गिव मैक्सिमम टाइम टू आवर रिटन प्रिपरेशन, ठीक है। इससे बेहतर ये है कि मैं वंस एंड फॉर ऑल आपको तमाम रिकॉर्डिंग लेक्चर दे दी जाएंगे, उसको आप स्पीड में सुने, प्रैक्टिस करें, मॉक एग्जाम दें, अपनी रिटर्न की प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। स्केड्यूल डिफरेंट होता है, सो इट इज मोर फिजिबल दैट द वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड। सर व्हाट इज द फी ऑफ एमपीटी कोर्स? यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर मेंशन कर देता हूँ अपनी एकेडमी का, जिसको भी चाहिए हो तो वो यहाँ पे व्हाट्सएप करें। एक बहुत एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फीस है एमपीटी की, वो आप प्रिपेयर करें। इफ यू वांट टू प्रिपेयर होल करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स हमारे बैच टू में ज्वाइन कर लें तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो एमपीटी के कोर्स में जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। नहीं जी, विल यू शेयर लेक्चर्स इन ग्रुप? ग्रुप पे शेयर नहीं करूंगा, आपकी जो आईडी है उसके ऊपर आपको लेक्चर्स दिए जाएंगे। यू कैन नॉट डाउनलोड दैट लेक्चर, यू कैन वॉच देम मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। नहीं, एनीवन कैन एक्सेस नहीं हो सकता जी, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन कराएगा उसका एक पूरा कोड होगा, पूरा प्रोसीजर है, सिर्फ वही एक बंदा उस चीज को एक्सेस कर सकता है। आतिका कह रही है सर काइंडली टेल फीस, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर लिख दिया है, आप व्हाट्सएप पे जाए, मैसेज करें मुझे व्हाट्सएप पर और आपको तमाम डिटेल्स जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच जी, अपना आप ख्याल रखें, अपनी एमपीटी की प्रिपरेशन जारी रखें और रिटर्न की प्रिपरेशन के ऊपर कॉम्प्रोमाइज ना करें। थैंक यू सो मच।